अच्छा क्या कह रहे थे बताना? मेरी सास को सबसे ज्यादा कौन पसंद है मालूम? कौन? जिसका वीडियो कौन? मुझे पता क्या लगता है, इसको चोरी कहते हैं। साक्षी ने आपके रूम में चोरी की है, चोरी, इसको चोरी बोलेंगे, जो मर्जी हो चोरी चोरी होती है। यहाँ पे साक्षी कर रही है बहुत तगड़ी चलाकी पापा के साथ, चोरी वो चोरी क्या है पहले बताओ, व्लॉग किसका? और मेरा ही है, कैमरा में मोबाइल मेरा ना, तो व्लॉग भी मेरा ही है। पर ये है कि मैं भेदभाव नहीं करती, मैं उसमें भी कंटेंट नहीं देती, अपने वाले में भी देती। तो चोरी ये है, इतना अच्छा शीशा अपने घर पे लगा हुआ है, पर हुआ क्या है, साक्षी को क्या पसंद आया, इधर आओ दिखाता हूँ। यहाँ कहाँ गया? हाँ तो दरवाजा बंद करके फिर खोलो, दिखना चाहिए। हाँ ये हाँ। ऐसे ना यहाँ पे खड़े हो ना, इधर आओ, फुल दिखता है। हाँ फुल ड्रेस डाली हो ना तो दिखती है। उधर मैंने कुछ चेक करना होता है, मुझे लूज है टाइट है, इसको शॉर्ट कराना क्या करना? वैसे ज्यादातर साक्षी लूज कम टाइट ही होता है ना। नहीं लूज झूठी है। बड़ा साइज लेती हूँ ना तो फिर टाइट ही कराना पड़ता है। वो तो मम्मा के होते हैं साक्षी कपड़े। खांसी करने दो। हाँ तो ये शीशा मैंने पापा को, मैंने बाहर बोला रात को कि मुझे ना बड़ा वाला शीशा चाहिए, तो पापा बोलते ही मेरे रूम में जो लगा हुआ मुझे नहीं चाहिए साक्षी। हाँ। तो मैं ये बात तो पापा ने वैसे बोली थी, उनके मुंह से निकल गई थी। वैसे नहीं बोली थी, उनके मुंह से नहीं निकला था, उन्होंने दिल से बोला था। मैं ना पूछवा भी सकती हूँ पापा से, रुको पापा को पूछती। पापा पहले आप ये बताओ, जो आपने मुझे रात को बोला था कि साक्षी तुम वो जो मिरर है उधर मेरे रूम में वो तुम अपने रूम में लगा सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो, तो वो अपने दिल से बोला था या ऊपर ऊपर से बोला था? दिल से बोला था। नहीं दिल से बोला था, झूठ बोलते। नहीं दिल से बोला था, दिल से बोला था, दिल से बोला था। तू कह रही ना नहीं दिल से बोला था। नहीं दिल से बोला है। किली लगी होती ना उस अच्छा ना, आपको उठा के देते बता भी दो, दिल से बोला के नहीं, मैंने पेच लगा हुआ ना ऐसे ही लगा होता ना तो डैडी ने उतार दिया तेरे से बाजू पे लगा। असल में साक्षी मैंने बोला था पापा को कि पापा आप साक्षी को कोई चीज बोलनी होगा ना एक बार वैसे बोल दिया करो, उसने कौन सी मांग लेनी आपसे। हाँ। तो पापा ने एक बार वैसे बोला और तू मान गई। है पापा? नहीं नहीं वो मैंने गलती एक बार की थी कि मनीष से शादी करेगी, उसके बाद नसीहत आई हुई है ऐसे हमने एक बार नहीं कहा। डैडी के रूम में शीशा लगा हुआ है, साक्षी जब ड्रेस डालती है ना इधर देखने आती है, तो पापा ने बोला शीशा ही उतार ले इधर से। कभी कभी पापा ने दरवाजा बंद किया होता है फिर मुझे प्रॉब्लम बड़ी होती है। हाँ तो वो अभी हम देखते हैं कहाँ लगता है। हद हद यार हद, मस्त इधर इधर साक्षी। नहीं 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 मैं सच्ची बोलूं, ये इस पे लगा वॉशिंग, इधर 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 उधर भी अच्छा है इधर भी अच्छा है, पर यहाँ स्विच बोर्ड। तो कमेंट करके बताओ कहाँ पे अच्छा लग रहा है साक्षी बता। हाँ वहाँ शीशा के पीछे सामने शीशा तो नहीं है। हाँ उधर भी ऐसा होता है, कोने पे कोने पे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो आप कमेंट करके बताना वहाँ अच्छा लगा था या यहाँ पे। स्विच बोर्ड है यहाँ तो जगह ही नहीं कोई चीज़। मामा पीछे ना यहाँ साक्षी, अगर ये काम करना ना सेम एक यहाँ पे भी चाहिए। हाँ जी कहाँ हो? मैंने कहा कि किया तो मैंने उसको मजाक ही था ऊपर ऊपर से, तो उसको बोलो ले ना जाए। नहीं लेगी पापा। ले गई है? हाँ वो देखो। ठहर जा निकाल इधर, ये देखो आपके इधर लगा था ना। हाँ वो देखो ये उतर गया होगा। क्या ढूंढ रहे हो पापा? ले गए मुझे कह रहा है क्यों दिया आपने उसको, ऐसे बोल रहा है मेरे को। मेरे बोलना था ना आपने, से क्यों उतारा? का दिल ना टूट जाए। मैंने कहा तो साक्षी ने लिया नहीं, उन्होंने कहा ना पहली बार मैंने कोई चीज बोला इसको ले ले मेरे रूम से, ले नहीं रही मेरे। मैं इसको उधर लेके गया, मैं कहा यार उसको समझा मैं दिल से ही बोलता हूँ तो तू ऐसे मत किया। जो आपने बोला ना वो एडिट भी नहीं होना ना, हम बाद में उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे जो आपने बोल दिया हुआ। ये उधर तूने बना रहा था जब मैं तेरे साथ बात कर रहा था। हाँ, जी हाँ। जब आपने ये बोला था कि मैंने इसको ऊपर ऊपर से बोला, ये तो सच में मान गई है इसको। मैं ऊपर ऊपर से बोला है उस वक्त, यानी कि ऊपर ऊपर से मैं बेड पे था, ये नीचे ऐसे बैठी थी। हाँ। तो मुझे कहती कि मैं ऐसे ले लूं, तो मैंने कहा ले लो, तो मैंने बेड के ऊपर ऊपर से बोला। चलो बाकी वो बातें छोड़ो, अब बताओ यहाँ सही लगेगा? मजाक अपनी जगह, दुख तो होता। नहीं नहीं वैसे मैं नया लेके आऊंगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कमाल। मैंने आई क्या चले चलो साक्षी
एक जैकेट तो मेरे लिए भी लेके आना पड़ेगा। मुझे पता आपको भी चाहिए उधर रूम में ना, अलमारी के पास लगाना मैंने, उधर भी अच्छा लगेगा। हम लेके उधर के लिए आए थे, पापा ने ले लिया था। पापा सुन ली, एंड जो आपने इस पे एहसान किया ना, उसने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि लेके तो मैं अपने रूम में आई थी ये। अपने नहीं, हुआ गया था, शिखा के रूम में लगा हुआ। शिखा ने बोला मुझे ये चाहिए, और वो जो शिखा के रूम में, वो मम्मा कहते मुझे एक छोटे रूम में चाहिए, वहां लगाना है। तो फिर पापा कहते नहीं, ये तो मुझे पसंद आ गया, ये मैं लगाऊंगा। पापा एक सेकंड पहले मुझे बताना, ये साक्षी के पैर है? है पापा, पर मैंने तो सुना झूठ के पैर नहीं होते। फिर तेरे नहीं है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे मेन ये देखना था कि यहाँ पे ठीक लगेगा, क्योंकि मुझे फुल मिरर चाहिए पापा, बहुत चाहिए, मेरी जरूरत है पापा, मेरी जरूरत। अच्छा पापा अभी ये देखो, ये सुंदर नहीं है तो इनको आईना चाहिए, अगर सुंदर होती तो। मेरे बारे में बात करो, मेरे बारे में कमेंट्स ना करो आप। यार ऐसी बात नहीं होती भी, वो सुंदर नहीं है तो इनको आईने की क्या जरूरत है, फिर इसने 10-10 आईने क्यों लगवाए हुए अगर ऐसी बात होती। मम्मा फिर बेइज्जती, मेरी बेइज्जती, बेइज्जती कर दी। मम्मा हमारे साथ तो ऐसे होता, चलो हम दोनों दुख मनाए। A few moments later. हाँ जी, रात के बजे 3 और साक्षी ने मुझे डिमांड की, बताइए क्या बोली तूने? 4 बज गए हैं, फिर भी पार्टी भी बाकी है। साक्षी क्या बोला, सच्ची बताइए? मुझे बोल रहे कि मेरा व्लॉग एडिट कर, मैंने एक बार कर दिया, अब तेरी बारी है, तो इसको देख। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग देखती हूँ, आप मेरे लिए मैगी बना के लाओ। ये 4 बजे मैगी कौन खाता है साक्षी, पहले बताइए। मैगी खा के ना तू नूडल हो जा रही है। आपको भी पता मैं कुछ नहीं, तुझे पता है ये थप्पड़ के पीछे मैं साउंड भरता हूँ हर बार। मुझे साउंड भरने के बाद पता चला कि आप कितने थप्पड़ मारते हो, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था कि इतने थप्पड़ मारते हो आप। चलो फिर आप ना मुझे बोल बोल के ना सबके कमेंट्स करवाओ खराब। क्यों, क्या हुआ? हाँ साक्षी ये खाती है, साक्षी वो खाती है, साक्षी मोटी है, साक्षी ये है। दोस्तों साक्षी ये मैगी, ये नूडल, ये बर्गर कुछ नहीं खाती, साक्षी खाती है तो सिर्फ मेरा दिमाग। A few moments later. क्या राजी? तो मैंने आपको बोला था, आपने तो बनाया नहीं। पागल? फिर मैंने रात के बजे हैं 5, ये बात की थी साक्षी ने 4 बजे, और 5 बजे हिम्मत करके उठी गई। हिम्मत करके नहीं, 4 से 5 बजे के बीच में आपका व्लॉग एडिट किया। ओह माय गॉड। उसके बाद मैंने मैगी बनाई, कितनी मेहनती हूँ मैं। क्या बात है, मुंह में आ रहा है पानी। शिखा मिस करेगी, शिखा सुबह ब्लॉग देखेगी और कहेगी वाओ भाभी सुबह रात को आपने मैगी खाई। वो फिर सुबह खाई थी। ये मैं पता कितने दिन बाद खा रही हूँ मैगी, मैंने वैसे कितने दिनों से कुछ ऐसा नहीं खाया, बिल्कुल सिंपल सादे फोन। चलो मैगी बनाओ और मिलते हैं सुबह, अभी होने वाली है रात, वो मिलते हैं आपको सुबह। The next day. तो अभी जो हमारी लक्ष्मी जी हैं वो कुछ बताना चाह रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे थे बताना? मेरी सास को सबसे ज्यादा कौन पसंद है मालूम? कौन? जिसका वीडियो कौन? शेखा दीदी सबसे ज्यादा पसंद है। कसम से अभी बोले तो बात कर देते। क्या बोलते? बहुत क्यूट है शेखा दीदी। ज्यादातर क्या होता है, जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा उसको शिखा क्यूट लगती है। अब पहले ये बताओ, सास आपने, आपकी सास ने मुझे देखा वीडियो में कभी? आपको देखा है। फिर भी ये क्यूट लगी? फिर भी ये क्यूट लगी? आप तो छुट्टियां करो। मैं साफ करूंगी, घर पोछा मैं लगाऊंगी। मनी आज कह रही थी, कहती लक्ष्मी ज्यादा लेट नहीं आना शुरू हो गई है, 4 बजे आज 3 बजे आई है, कल 4 बजे आएगी, कल 4 बजे इसको बोलना। अब कह रही मैं खुद करूंगी। देखो जो तारीफ होती ना उसके लिए इंसान तो कुछ भी कर सकता है, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हमारी इतनी तारीफ हो गई। मुझे पता है आप सब करना। 2 मिनट और गाते भी बहुत क्यूट है। Oh my God! कौन सा गाना? एक सेकंड, उन्होंने मेरा गाना सुना? नहीं, आपको क्या आता है गाना? ये गाना मुझे नहीं आता। एक सेकंड, ये देखो,
खुश रहे तू सदा, तू सदा। हाँ ये दुआ आप कमेंट करके बताओ मुझे वाकई गाना नहीं आता। एक बार क्या हुआ मालूम? हाँ, तीनों ने म्यूजिक टीचर बुलाया था। किन्होंने? आपने भूल गए? और पता वीडियो सारी देखी भी आई है। मैं पूछे गाना आता कोई? गाना आता कुछ? अच्छा मना नहीं करके गई? कहती रुको आप ही गाने का कीड़ा सबको मैंने देखा। कपड़ा उठा था अभी मैं करनी भी जगह। उससे पहले एक मनी की बेइज्जती कर दे, बड़ी ज्यादा काली आई हुई है। मनी ने अब जो लाइट्स ऑन की, उठो सारे आ जाओ लक्ष्मी आ जाओ। इसको लगा कि मेरी तारीफ होगी। नहीं नहीं अभी नहीं बोलना, कहता कैमरा में तैयार कर लूं। ऑन कैमरा बेइज्जती। हाँ बल्कि मैं तो बैठी हुई थी, मैंने कहा नहीं मेरे पे कैमरा नहीं है, पर मुझे नहीं पता आज का फुटेज सिर्फ मुझे मिलेगा। मुझे लगा ही नहीं इसकी क्यों तारीफ कर सकता। मुझे तो सास में कोई तो बात होगी, सास को मेरा आशीर्वाद देना। आशीर्वाद आगे बढ़े, गाना गाते इकट्ठे। चलो कौन सा? मैं कौन सा? क्या मैडम मैं आपका गाना खराब कर सकता हूँ? याद करने कौन सा कितने आते हैं आपको? नहीं नहीं कोई ऐसा कोई फेवरेट? अरे गादो वो वेट कर रहे हैं। रुको जरा, ऑडियंस कोई जाने नहीं चाहिए। चिड़ी चमकेगी इधर चूड़ी चूड़ी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं सच्ची बताऊं मैं इनके पास खड़ा हूँ, मुझे आवाज नहीं, आपको कहाँ आई हो? अभी मुझे साक्षी ने बोला तो थोड़ा धीरे बोला, मैंने वो भी नहीं बोला इनके पास। माइक दे दो। लक्ष्मी ने जितना गाया बहुत अच्छा गाया। लक्ष्मी कल से मुझे भी प्रैक्टिस करा देना। बात सुनो, कल जब आओगे ना अपनी सासू माँ से दोबारा से पूछ के आना कि किसकी तारीफ की थी ये मेरी। गलती कर सकती है आपको, उनको बोलना सच्ची में इनकी तारीफ की है। ईट है यार मानते ही। अच्छा अब दो बंदे ऐड हो गए, मेरा नाम अभी भी ऐड नहीं हुआ बीच में। साक्षी तेरा भी ऐसे ही आ रहा है। मैं आई नहीं रही बीच में, मैं क्यों बीच? अभी वीडियो खत्म होने वाली थी, मम्मा कुछ कहना चाहते हैं। मम्मा बोलो क्या बोलना है। लक्ष्मी आपने गाना जो गाया ना बहुत अच्छा गाया, मुझे भी जा सिखा दो गाने की। हाँ सिखा दूंगी, आप मेरा काम करना मैं आपका काम। चलो दोस्तों कल आपको नेक्स्ट वीडियो में ये अपनी सासू माँ से फिर पूछ के आएगी आपको मनी कैसा लगता है। बाय बाय।